इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट। हेलो दोस्तों, वेलकम स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 रोमांटिक कॉलर ट्यून्स के बारे में, जो कि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं ला रहा था यार, बिकॉज यार मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज आ गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। आप लोग मुझे बोल रहे थे भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं रही, तो यार मेरी हेल्थ इशू थी इसके कारण से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद, तो अब ये वीडियो कंटिन्यूस करने वाला हूँ मैं, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस आने वाली है, तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहना। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 कॉलर ट्यून्स के बारे में, जो कि आपके दिल को टच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलर ट्यून कौन सा निकल कर आता है, हम इसको कैसे सेट करना है, तो दोस्तों उसके लिए आपको चाहिए जियो सावन का प्रो सब्सक्रिप्शन वाला एप्लीकेशन और माई जियो का ऐप, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे अपने आप जियो सावन का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हो, यहाँ पे आपको एक कंपास बना हुआ दिख रहा होगा बिल्कुल नीचे में, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, आपको जियो टून का एक सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको स्क्रीन पे एक टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा कि आपको क्या टाइप करना है कि आपको कॉलर ट्यून शो हो। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे आप हमराह लिखते हो, यहाँ पे आपको सचेत टंडन का सॉन्ग देखने को मिल जाएगा। आपको मैं इसको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आपने इस सॉन्ग को भी सुन लिया होगा, अब बढ़ते छोटे में आगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इश्क में करके कॉलर ट्यून आपको देखने को मिल रहा होगा बिल्कुल टॉप पे। इसको मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने ये सॉन्ग्स को सुन लिया होगा, अब चलते हैं 3-4-5 सॉन्ग्स के लिए जो कि हमें अवेलेबल मिलेंगे माई जियो के ऐप में। जैसे अपना आप माई जियो का एप्लीकेशन ओपन कर ले, तो यहाँ पे आपके पास जियो का एक ऑप्शन देने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हो, आपको ऊपर में राइट के साइड आपको एक सर्च का एक आइकन देखने को मिल रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन के दिखाए गए टेक्स्ट को फॉलो करते हो और आप लिखते हो जन्नत सा, तो यहाँ पे आपके सामने एक कॉलर ट्यून हमारी अधूरी कहानी का आपको एक कॉलर ट्यून देखने को मिल जाएगा। यार आप यकीन मानो, आपको ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है। इसको आप एक बार सुनना, फिर आप मुझे नीचे कॉमेंट से बताना। रंग थे नूर था जब करीब। तो जैसा कि आपने इसको भी सुन लिया होगा, अब बढ़ते छोड़ो में आगे और चलते अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अब आप देखो हमारी अधूरी कहानी इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, इसको आप सुनना। यकीन मानो गाइस, आपको मैं जो 3 कॉलर ट्यून अभी बताने वाला हूँ ना, ये जियो म्यूजिक से, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे, आप इसको ट्राई करना ज़रूर। जैसा कि आपने इस सॉन्ग का थोड़ा सा पार्ट सुन लिया होगा, हालांकि मैं आपको पूरा पार्ट सुना नहीं सकता, ये बात मैं बहुत सारे वीडियो से बता चुका हूँ कि यार कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाता है मेरे चैनल पे, जिसकी वजह से आपको पता ही यार स्ट्राइक आने के बाद क्या ही होता है। दोस्तों, अब चलते हैं अपने लास्ट सॉन्ग की तरफ, लास्ट डायलॉग की तरफ बेसिकली बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई यार वो विलन वाला जो है ना, हे विलन ये वाला कॉलर ट्यून कैसे सेट करें हम, तो इसके लिए कोई वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसको सेट कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको 2 कॉलर ट्यून यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, आप इन दोनों में से कोई सा भी सेट कर लेना। इसमें हे विलेन वाला डायलॉग दोनों में ही अवेलेबल है, बस सॉन्ग का थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो आपको जो भी सॉन्ग अच्छा लगे उसको आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पे अगर आप नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे वीडियोज़ देखने को मिल जाए। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।